नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे खास कार्यक्रम में। आप सभी के साथ मैं हूँ सीना सिद्दीकी, और आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा के हीरो को। अंदाजा लगाइए, नहीं तो हम आपको बताते हैं। आज हमारे साथ योगेश्वर दत्त मौजूद हैं। योगेश्वर जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम। धन्यवाद आपका। सबसे पहले ग्लासगो की जीत का अनुभव बताइएगा हमारे दर्शकों को। देखिए, बहुत अच्छा लगा देश के लिए गोल्ड जीतना, और कॉमनवेल्थ गेम्स में दूसरा गोल्ड था। दिल्ली जो 2010 में हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स, उसमें गोल्ड था मेरा, और यहाँ भी दूसरी बार गोल्ड जीतना बहुत खुशी की बात थी। योगेश्वर, सबसे बड़ा सवाल आपसे ये मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि हरियाणा की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे सुविधाओं की कमी थी, आज से पहले की बात करते हैं, कैसे वो एक एक्सपीरियंस रहा? अगर मैं सबसे पहले ये आपसे जानना चाहूँ कि कुश्ती ही करनी है, ये ख्याल कहाँ से आया? देखिए, बचपन जब मैं 7-8 साल में कुश्ती स्टार्ट की, 7 या 8 साल का था मैं जी, और मेरे गांव में कुश्ती का शौक पहले भी था और आज भी है। हर घर में इसे बच्चा अखाड़े में जाता था। अखाड़े में जाता है, हाँ। और ऐसे बच्चे, छोटे बच्चों के साथ मैं भी जो छोटा था खेलने गया था, उधर मिट्टी अखाड़ा था, उसमें मैं भी कुश्ती करने लग गया, और मेरे को अच्छा लगा कुश्ती करना वहाँ पे, क्योंकि वो तो खेल था मेरे लिए, अच्छा लगा तो मैं डेली जाने लग गया। और मेरे अंकल जी हैं मास्टर सत्यवीर, जो गांव में खड़ा चलाते थे, उनका खड़ा था, वहाँ गया था मैं, और तब से बस मेरे को नहीं पता था कि आगे फ्यूचर में क्या होना है, क्योंकि उसके पता ही नहीं था कि उस कुश्ती में बड़ा होगा कि मतलब फ्यूचर क्या कुश्ती का, बस मेरे लिए तो खेल था उस टाइम पे। हाँ, और तब से अब तक मैं कुश्ती कर रहा हूँ। तो कभी आपने सोचा नहीं कि ये करियर बन जाएगा या आप देश के लिए इतना कुछ कर जाएंगे? नहीं, उस टाइम पे नहीं सोचा मैंने कि करियर से करियर, कुश्ती से करियर बनता है या जो भी है, या नौकरी लगती है या ऐसे देश का, वो तो मेरे लिए खेल था। क्योंकि आजकल के बच्चे तो बहुत ज्यादा एडवांस है, उनको तो पता होता है, 7-8 साल के बच्चे हर एक चीज पता होती है, ओलंपिक क्या होते हैं, मेरे को नहीं पता था कुछ भी कि क्या होता है। बस ये था कि मिट्टी के अखाड़ा कुश्ती लड़ते हैं, उधर मेरे कुश्ती लड़ने में अच्छा लगता। तो उस मासूमियत से लेकर और अभी तक में जो संघर्ष किया उसके बारे में बताइएगा। देखिए, उसके बाद संघर्ष तो वो तो पहले खेल था, उसके बाद पर काफी संघर्ष स्टार्ट हुआ है यहाँ तक पहुँचने में। मेरे 3 ओलंपिक हुए, आपको 8 साल की मैं स्टार्ट किया था, हमारे गाँव में मिट्टी का अखाड़ा कोई सुविधा नहीं थी। जी। दो रूम अखाड़े में, 2 रूम थे, उनमें एक दो बच्चा कोई बाल रहता था, और वैसे कोई जिम नहीं थी, कोई वेट ट्रेनिंग कोई सामान नहीं था, बस वहीं दौड़ मारते थे, वहीं अपनी डंड बैठक उठा बैठी दो लगाई लगा ली और दौड़ करने, बस यही 2-3 काम थे। उसके अलग ना कुछ इतना पता था, गांव में कोच भी था पर मतलब वो इतनी टेक्निक थी नहीं जो आज के टाइम में, जो आज है, और ना ही सुविधाएं थी। अगर बारिश हो जाए तो फिर हम अखाड़े में कुश्ती नहीं कर सकते थे उस टाइम में, जोर नहीं कर सकते थे। हाँ, उसके बाद पर जो आज का टाइम है, उस टाइम बहुत बड़ा तो सुविधा मिल रही है सरकार से, काफ़ी कोचिज, अच्छे कोचिज हैं अब, अच्छे अब तो हॉल भी हर एक गांव में हॉल बन रहा है, मेरे गांव में भी है। पर जो संघर्ष गांव में हुआ, उसके बाद फिर दिल्ली आया मैं 97 में, क्योंकि स्कूल नेशनल खेल के बाद दिल्ली काफ़ी नाम सुना था हमारी पहलवान जी, हमारी सतपा पहलवान, उनके पास 97 में आया था मैं, और उसके बाद ही ये करियर बना कि यहाँ तक पहुँचना है। पर मेरे को ओलंपिक में जब मेडल की सोची थी 96 में, जब लिंडर पेस का ब्रॉन्ज मेडल आया था, तब पता लगा थी ओलंपिक होता है, उसमें ऐसा नाम होता, क्योंकि मैं टीवी देखा था मैंने उनको एयरपोर्ट से आते हुए। तो लिएंडर पेस एक माइलस्टोन बने, मील का पत्थर बने आपके लिए, ओलंपिक मेडल के लिए आप उनको लगा सकते हैं। ये तो मेरे गांव का एक पहलवान था, बलराज पहलवान नाम था, मैं चाहता था कि मेरे को भी तगड़ा पहलवान बनना, गांव में काफी इज्जत थी उनकी, बहुत अच्छा नाम था उनका, उनकी कुश्ती के दौरान उनकी डेथ हुई थी, वो 26 साल की डेथ हुई, गांव में काफी नाम था कि हमारे गांव का इतना तगड़ा पहलवान था, ये काफी नाम सुना था, और अब भी उनके बहुत नाम के जिक्र होते हैं। ये था मेरे को भी कुश्ती में अच्छा पहलवान बनना, बलराज पहलवान की तरह बनना है। अच्छा। पर मेरे को नहीं पता था कि भगवान और लोग मेरे को आज इस मौका में पहुंचा देंगे, ओलंपिक मेडल से बना देंगे। तो वो मेहनत तो फिर आपने भी की ना? हाँ, मेहनत की और जुनून था कि मेरे को अच्छा पहलवान बनना है, मेरे पिताजी का सपना था, माता का, कि देश के लिए ओलंपिक मेडल जीतना है। मेरे पिताजी जब पहली बार मेरे को दिल्ली छोड़ने गए थे अखाड़े में, जब बोला था कि तू अपने आप तेरे को सब कुछ करना है, क्यों वहाँ कोई तेरे को देखने वाला नहीं होगा, तेरे को अपने आप अपना ख्याल रखना, अपने आप प्रैक्टिस करनी है, और मैं चाहता हूँ कि तू देश का बहुत बड़ा पहलवान बने, वो तेरा नाम ओलंपिक में मेडल लेके आए तू। तो यानी कि माता पिता का सपना और अपना जुनून। हाँ बिल्कुल, तो मेरे पिताजी का सपना था और उनका सपना मेरा सपना और जुनून बन के बाद मेडल है। मैं क्योंकि संघर्ष की बात कर रही थी, वो आपने गांव के अखाड़े बताए, बारिश हो गई तो वहाँ पर खेल नहीं सकते थे, वहाँ से लेके अभी तक में जो एक चेंज मैं आपसे जानना चाह रही हूँ उसमें ये है कि दिक्कतें क्या क्या आई? आपने कहा कि साथ नहीं मिला, फादर ने बोला कि आपको खुद ही संभालना है, तो उस दौरान पैसों की दिक्कत, फाइनेंशियली मोरली कि
खुद से कई बार हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है जब कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता, कोई हौसला बढ़ाने वाला नहीं होता। तो उस वक्त से लेके 97 का आपने जिक्र किया, या आप जब दिल्ली में गए, वहाँ से लेके अभी तक में कौन कौन से वो लोग रहे जिन्होंने वो जुनून बनाए रखा आपके अंदर? मैं बताता हूँ आपको। और जैसे सभी, कोई भी पहलवान, खिलाड़ी, पहलवान तो तकरीबन गरीब परिवार से आते हैं, मध्यम परिवार से हो गए, तो ज्यादा पैसे वाले तो कोई है नहीं। हाँ, तो पैसों की सीधी बात है कि उसमें हम भी, मैं भी उसी में आता हूँ। या सुशील हो, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, सभी एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं जी। उसमें इतना तो पैसे मिलेंगे नहीं कि कुछ भी मौज मस्ती करो, एक लिमिटेड हमें पैसा मिलता था। हाँ, ऐसे हमें भी वही था कि एक जो पैसे हैं उनको अपने खाने पीने खर्च करने, कहीं उधर उधर नहीं लगाने, कहीं कभी फिल्म देखने नहीं जाना, कभी वैसे बाहर नहीं जाना, कहीं मार्केट में ये जाके कुछ खा गया नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें सही मन करते फिर भी नहीं खाना। और संघर्ष तो जैसे कि उसके गांव में तो कुछ था ही नहीं, गांव में तो अपने प्रैक्टिस करते थे, गुरुजी बुलाते थे, गाँव में करते थे। पर 97 के बाद स्टेडियम में जाने के बाद यही था कि बस एक काम है मेरे लिए, काम दिया है घर वालों ने जो भी था, कि बस प्रैक्टिस करनी और अच्छा पहलवान बनना है। उसमें सुबह 3 घंटे सुबह ट्रेनिंग, 3 घंटे शाम, बचपन से सुबह रनिंग करनी, और जो शूज होते थे वो भी देख के पहनने पड़ते थे, कि ज़्यादा ये नहीं है कि 1-2 महीने में फट गए तो दूध बदल लिए, उन्हीं को रिपेयर करवा लेते थे। ऐसे जो कपड़े थे वो भी, मतलब काफ़ी कुछ खाने पीने की चीज़ें सब कुछ देख के चलना पड़ता था, और मन खूब मेहनत करनी होती थी क्योंकि कामयाबी हासिल करनी थी, ओलंपिक मेडल जीतना था। एक और चीज़, अगर अभी की बात करते हैं, हरियाणा सरकार की खेल नीतियों का जिक्र करते हैं, कितना संतुष्ट हैं आप उससे? देखो, बहुत खुशी की बात है कि हम हरियाणा से हैं, और जो हमारे CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो इतना खिलाड़ी, इतना ज़्यादा कुछ कर रहे हैं, कोई देश में कोई स्टेट नहीं है जो इतना करती है। अगर वो स्टेट भी ऐसे करें तो वहाँ भी ऐसे ही खिलाड़ी निकले। अब जैसे अभी कॉमनवेल्थ गेम्स को एग्जाम्पल ले लिए, 1 करोड़ दिया गोल्ड को, 50 सिल्वर को और 25 ब्रॉन्ज को, कहीं नहीं है ऐसा, कहीं नहीं है। ओलंपिक में 5 करोड़, 3 करोड़ और 2 करोड़ रुपए अलाउंस किए हुए हैं। ये खेल नीति का परिणाम भी है कि हरियाणा से इतने ज्यादा खिलाड़ी निकल रहे हैं। शायद यही वजह है कि अगर सायना नेहवाल का जिक्र आता था, वो हैदराबाद से हैं और हरियाणा से नॉमिनेशन भरती हैं कि मैं हरियाणा से हूँ, ये रीजन है। कुछ भी लगा सकते हो, जैसे वो हरियाणा में बचपन में रही हैं या जाऊंगा हम नहीं, ज्यादातर खिलाड़ी, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो एक चीज देखते हैं, क्योंकि आपने हरियाणा की खेल नीतियों का जिक्र किया और प्रोत्साहन मिलता है, तो दो चीजें हैं कि खिलाड़ी चाहते हैं कि वो अपने आप को हरियाणा से नॉमिनेट करें ताकि वो नारंगा चाइना नहीं तो तकरीबन हरियाणा से ही है तकरीबन, भी चाहते हैं कि काश हम भी हरियाणा की। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी, अभी एक पंजाबी लड़की पहलवान है, उसका भी अभी मैंने एक न्यूज़ में देखा था, उसको वो बोल रही थी कि पंजाब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही हमारे लिए, मैं चाहती हूँ कि हरियाणा से खेलूँ। अभी सभी इतनी सुविधा, इतने वो पैसे मिल रहे, अच्छे पैसे मिल रहे हैं, एक नौकरी मिलती है साथ में, मतलब फ्यूचर सेफ है हरियाणा में खिलाड़ी का। सब चाहते हैं कि वहीं से खेल लें, वहाँ के नहीं है तो वहाँ से पार्टिसिपेट करें, वहाँ से देश के लिए खेलें तो अच्छा होगा हमारे लिए। योगेश्वर, एक और चीज़ आती है, क्या हरियाणा में महिलाओं की जब हम बात करते हैं उनके साथ रोक है खेलने पर, या अब हम शिक्षा से बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है, विचारों से संपन्न नहीं है, अभी भी उस तरह की चीज़ें हैं? नहीं नहीं, वो पहले थी, वो पहले, और वो मैं बताऊँ कि रोक नहीं है, वो परिवार वाले माता पे कुछ भी, एक अपने बेटे की चिंता बहुत ज़्यादा करते हैं जाने में कि कहीं जाएगी, कोई कुछ बोल दे, ये है इज्जत की बात हो जाती है, कुछ लगाइए, या नहीं है कि वे वैसे उससे वैसे पाबंदी लगाते हैं। हाँ, पर आज के टाइम में तो लड़कियां कर रही हैं प्रैक्टिस। आपने खेल नीतियों का जिक्र किया, फुगास सिस्टर्स की बात करते हैं, वो दोनों ही गोल्ड लेकर आई हैं। उनका एक आरोप था, उनका कहना है कि जो मेल प्लेयर्स हैं, पुरुष खिलाड़ी हैं, उनको ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जो महिला खिलाड़ियां हैं उनको नहीं दिया जाता, उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। और हम ये इल्जाम लगाए तो कि महिलाओं पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है सरकार का, ये तो खाम बात, सबके लिए एक नीति है। अब उनको 1-1 करोड़ रुपया दिया, उनको भी नौकरी है, दोनों उनके पास भी नौकरी है। ये तो गोल्ड जीतने की बात की स्थिति हो गई, जो कि खेल नीति है उससे पहले की बात करें, जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे उससे पहले की अगर हम बात करते हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि हम जब तैयारियां करते हैं परिवार भी होता है, संपन्न नहीं होते, आपने भी अपना स्ट्रगल बताया, तो वहाँ पर क्या सरकार को ध्यान देने की जरूरत है? अभी ग्रॉस रूट पे ध्यान देती है, अभी कोच लगाए हैं, कितने कोचे लगाए हैं, और सेंटर हैं, स्टेडियम बनवाए हैं सरकार ने, और अनेक जगह लड़कियों के लिए अलग से सुविधाएं हैं, काफी कुछ है ऐसा। मैं तो मानता नहीं कि खासकर हरियाणा सरकार की लड़कियों के लिए कुछ नहीं करती, कम करती है, नहीं नहीं बहुत कुछ करती है, बहुत कुछ बराबर करती है, लड़के लड़कियों में सब बराबर करती है, और ज्यादा ही करती है उस लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए।
क्या परिवर्तन होना चाहिए कुछ खेल नीति में लगता है आपको? नहीं, इससे अच्छा कुछ बस एक है कि ग्रास रूट पर जितना ज्यादा ध्यान देंगे हमें उतना अच्छा होगा। एक और शिकायत आई थी, अब ग्रास रूट की बात करें उस पर मैं आऊंगी, एक और बात आई थी कि अगर कोई खिलाड़ी सिलेक्ट हो जाता है और उसके पास पैसे नहीं है कि सपोज कीजिए उसको पैसों की जरूरत है, तो वो जो प्रोसेस है सरकारी मदद का उसमें तकरीबन 11 महीने लगते हैं, तो क्या उसमें चेंज होना चाहिए कि अब कोई ऐसा कोष हो? एक खबर आई थी हरियाणा पर्सन डेवलपमेंट करके एक फंड बना, जब आप लोगों को प्राइस दिया गया तो वहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ था कि वहाँ से आप लोग पैसा लेके उस चीज़ को दूर कर सकते हैं, तो वो एक कमी है, बहुत सारी प्रतिभाएं उस वक्त दम तोड़ती हैं जब वो पैसों की वजह से रह जाते हैं, असुविधा की वजह से रहते थे कुछ रहती हैं। हाँ, पर हमें खुद भी संघर्ष करना होगा। तो खेल नीति में आपको लगता है कि कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, या फिर आप ग्रास रूट की बात करें? बस ग्रास रूट है, जो जितना ग्रास रूट हमारा मजबूत होगा उतनी अच्छे और ज्यादा रिजल्ट आएंगे हमारे। हाँ। एक और चीज क्या, जिला स्तर पर ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि गांव स्तर पर होनी चाहिए, जिला स्तर पर, गांव स्तर में, क्योंकि प्रतिभा गांव से ज्यादा निकलती है, हमें गांव की तरफ जितना ज्यादा ध्यान देंगे उतने ज्यादा चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन पैदा कर सकते हैं। आप किसी भी खिलाड़ी को देखिए गांव से बिलोंग करता होगा, इसलिए गांव में ज्यादा ध्यान, और अच्छे कोचेज की जरूरत है। मैं मानता हूँ कि अच्छा कोचेज होगा तो अच्छी प्रतिभा निकलेगी। पिछले दिनों बहुत सारी खबरें आई थी, वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन निकल कर, ये कमियां निकल कर आई थी कि बहुत सारी जगह पे कोच नहीं है, ट्रेनर नहीं है, स्टेडियम्स नहीं है, बिल्कुल। तो आपको लगता है कि वहाँ पर काम होना चाहिए? बिल्कुल, अभी 400-500 कितने कोचेज लिए हैं, उसमें 76 या 86 कुछ कुश्ती के लिए हैं, कोच थे नहीं हरियाणा में, कोच थे अब लिए हैं वो, अब ये है कि अब कोच, हाँ सरकार को एक और कुछ भी हो या आप स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट देखिए कि जो कोच लगाए हैं उनसे हर साल जवाब मांगना चाहिए कि आपने कौन तैयार किया है, क्योंकि अपने हरियाणा में पूरे देश में ये है कि जो कोच लग जाते हैं कुछ तो जाते ही नहीं। अच्छा, सेंटर मिलने बाद भी किसी भी गेम का लगाइए आप, ना किसी कोच से जवाब मांगते कि भाई तूने कौन तैयार किया है, तब तक सरकार या जो डिपार्टमेंट है जवाब नहीं मांगेगा कोच से, उसका रिजल्ट नहीं, क्या रिजल्ट है तेरा, तब तक परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगी। तो जो आप बात कह रहे हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर है, इसका मतलब ये कि कोच लापरवाही करते हैं? बिल्कुल, मेरे ख्याल में 60-70% कोच ऐसे होंगे जो अपना काम अच्छे तरीके से नहीं करते, 10-20-30% कोच ऐसे हैं जो अपना काम मन लगा के करते हैं, और कुछ कोच गुरु क्लिप ऐसे हैं जो नौकरी भी नहीं करते, बस उनका तैयार है, उनका काम है बच्चे तैयार करना। मेरे को कुश्ती में पता, कुश्ती में गांव गांव में अखाड़े हैं, जो कोच नहीं है वो सरकारी, बस वो गुरु हैं, अपने अपना काम करते हैं, बच्चों की ट्रेनिंग कराते हैं। तो फिर उनको क्या सरकारी मदद मिलती है या उनका नहीं, वो अपना उनका जनून है वो बच्चे के लिए प्रैक्टिस करना, उनको कोई वो सैलरी नहीं होने की, तो फिर तो उनकी मदद होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, और वैसे सरकार है ना, सरकार ने किया हुआ अखाड़े में हर साल 5 लाख रुपए जाते हैं मदद के तौर पे। पर गुरु के लिए होते हैं स्पेशली? नहीं, गुरु के नहीं, अखाड़े के लिए होते हैं, अखाड़े के लिए। हाँ, होते हैं। अगर कुछ गुरु जो अखाड़ा चलाते हैं तो गुरु हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसा तो बहुत तो बढ़िया है। उस खेल नीति की जब हम बात करें तो उसमें सुधार के तौर पर आप एक चीज ये मेंशन करना चाहते हैं कि जो कोचेज लगाए जा रहे हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी तय हो, उनकी जवाबदेही तय हो कि आपने किससे तैयार। बिल्कुल, आप उनसे मतलब उनको उसे पूछना चाहिए कि तुमने क्या तैयार किया है, मतलब उन पे एक प्रेशर होना चाहिए, प्रेशर होना तभी वो काम करेंगे, तभी ज्यादा खेल निकलेंगे। अब तो कुछ खिलाड़ी वो निकलते हैं जो खुद के इंटरेस्टेड हैं, कुछ वो निकलते हैं जिनके माँ बाप इंटरेस्टेड हैं, तो ये बहुत बड़ी कमी है। बिल्कुल, अगर कोच काम होना चाहिए। बिल्कुल, कभी योगेश्वर ये लगा कि क्रिकेट एकदम ग्लैमर चकाचौंध, उसमें कुश्ती को कौन जानेगा, कभी ये ख्याल आया या कभी अंदर से फील हुआ कि कुश्ती को वो सम्मान, भले ही आज की स्थिति बदल गई, उसमें मीडिया रिस्पॉन्सिबल हो गया, आपकी सरकार की नीतियाँ रिस्पॉन्सिबल हो गई जिससे कि कुश्ती बहुत हाईलाइट हो गई, लेकिन उससे पहले जब हम ग्लैमर देखते हैं तो वो क्रिकेट में देखते हैं, तो कभी मलाल इस चीज़ से? मैंने कभी ग्लैमर की तरफ ध्यान दिया ही नहीं, मेरे को बस कुश्ती से लगाव था, और ना मैंने कभी ये माना कि कुश्ती कोई जानता नहीं। अभी उज्बेकिस्तान के ताशकंद में विश्व चैंपियनशिप होने वाली है, वहाँ के लिए आपने मना क्यों कर दिया? देखिए 10 दिन का गैप है एशियन गेम्स, और उसमें बस बीच में 10 दिन का है, और उसमें अच्छा नहीं कर पाएंगे हम, इसलिए चोट का खतरा प्रैक्टिस का। हाँ, और मेरे को इंजरी भी बहुत ज्यादा होती है, वैसे भी डर रहता है, इसलिए और इतनी जल्दी वेट भी लूज करना होता है, 3-4 kg वेट भी लूज बार बार करने में वीकनेस तो आती है, इंजरी का डर ज्यादा रहता है मेरे को इसलिए, और फिर 10 दिन बहुत कम टाइम होता है इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप एशियन गेम्स बहुत बड़े टूर्नामेंट है, इसलिए एक तो छोड़ना था, और ये कि वर्ल्ड चैंपियनशिप अगले साल भी है, एशियन गेम्स तो फिर 18 में आएंगे। अच्छा, हाँ, इसलिए एशियन गेम्स खेलना ज्यादा ठीक लगा मेरे को। अगर आपने इंजरीज का जिक्र किया, उसको
ठीक करने के लिए और खुद को वैसा ही स्ट्रांग रखने के लिए किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, अपनी डाइट बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए इंजरी मेरे को बहुत ज़्यादा होती है, नी के ऑपरेशन भी हो चुके हैं, तो फिजियो ही होते हैं हमारे पास जो फिजियो जो रिहा करवा के ठीक करते हैं। ऐसी पहले था ऐसी अब भी है हमारे यहाँ पुलिस का एक फिजियो है विशाल आनंद जो साथ ही रहता है, वो करवाता है। और अपनी डाइट भी बहुत वेजिटेरियन तो वैसे ही हैं, बहुत देख के खाना पड़ता है और जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो वो लेनी पड़ती है, दूध है, सोयाबीन है, पनीर है, और एक ऐसा खाना लेते हैं जिससे मतलब शरीर को नुकसान ना हो। प्रैक्टिस का क्या शेड्यूल है आपका? अगर मैं ये कहूँ कि योगेश्वर दत्त आज हर कोई बनना चाहता है, हर दूसरा बच्चा जो जन्म लेता है आज अगर वो योगेश्वर को देखते हैं जानते हैं तो वो योगेश्वर ही बनना चाहता है, या सुशील कुमार का भी जिक्र आता है, तो योगेश्वर की डाइट क्या है या डाइट से परे योगेश्वर का शेड्यूल क्या है, कैसे मेहनत करते हैं वो? देखिए पूरा दिन का टाइमिंग प्लानिंग क्या है? डेली सुबह शाम मिला के 6 घंटे ट्रेनिंग होती है हमारी, सुबह 6 से 9 बजे तक प्रैक्टिस होती है, उसमें मैं ट्रेनिंग भी है, जिम भी, अलग शेड्यूल बनता है हमारा पूरे वीक का। 3 घंटे ट्रेनिंग सुबह, उसके बाद बादाम लेते हैं, फिर ब्रेकफास्ट या सीधा लंच ही करते हैं, ब्रेकफास्ट तो बहुत कम करते हैं हम 12 बजे, और उसके बाद दूध या शेक लेते हैं, उसके बाद भी थोड़ा सो जाते हैं, ऐसे फिर शाम हो जाती है, फिर शाम को वही 3 घंटे ट्रेनिंग करते हैं, फिर वही शेड्यूल। हमारे पास और कुछ करने का टाइम भी नहीं होता, जो हमारा शेड्यूल बना उसमें प्रैक्टिस, खाना और रेस्ट होता है, और वही करते हैं। घर के लोगों से कितना वक्त दे पाते हैं उन्हें? घर तो बहुत कम जाना मिलता है, अभी कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले लगाइए कि मैं 5-6 महीने में गया था घर पे, कभी जाता था तो रुका नहीं था, मतलब घर पे मैं जाता था 1 घंटा गया मिलके मम्मी से और भाई से, बच्चों से मिल, भाई के बच्चों से मिलके आ गया वापस। अभी वो कॉमनवेल्थ गेम्स से आने के बाद मैं 2 दिन रुका हूँ मैं, और अभी जैसे एशियन गेम्स है उस तब तक शायद ही मैं जा पाऊँ घर पे, टाइम नहीं मिलता। आपकी एक तस्वीर देखी थी हमने जब आप ग्लासगो से आए थे, अपनी माँ के साथ थी आपकी वो तस्वीर, वो मोमेंट कैसा था? देखिए जब भी कोई मेडल ले गया तो मैं सीधा घर अखाड़े में जाता हूँ, स्टेडियम फिर घर जाता हूँ, और माँ से मिलने जाता हूँ। क्योंकि आपके लिए भैंसवाल खला गाँव में बाकायदा पूजा पाठ भी हुआ था जिस दिन आपका मैच था, बिल्कुल पूरा देश तो टीवी सेट के आगे बैठा ही था, और आपके जब आपका मैच हुआ था 2 मिनट भी आपने नहीं टिकने दिया किसी भी प्लेयर को अपने साथ, जो भी खिलाड़ी था आपका, 2 मिनट का भी वक्त नहीं दिया। बिल्कुल जी। तो वो पूजा पाठ तो सारी चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन वो एहसास जानना चाहेंगे आपसे। देखिए बिल्कुल पूजा पाठ हर बार मैं बता दूँ गाँव वाले में हर बार हवन पूजा पाठ अपनी खुशी के लिए करते होंगे, वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा गया है और गोल्ड जीत गए वहाँ से, और वो तो हवन करते हैं उसके, उन्हीं की वो दुआओं का परिणाम है कि हम मेडल जीत के आते हैं। और इसी बार कॉमनवेल्थ गेम्स में दो मिनट से ज़्यादा मेरी कोई कुश्ती नहीं चली, मैंने सबको टेक्निक 10 से बार किया है। वो टेक्निक्स तो वो सब हैरान है उस पर कि योगेश्वर अगर खेलने आते हैं तो 2 मिनट भी नहीं टिकते हैं वहाँ पर, वो क्या टेक्निक्स हैं और ज़बरदस्त। देख बस टेक्निक फितले दाव है जो मेरा ओलंपिक में लगाया था, वो काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया था, अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में भी देखा सब ने, और उस दाव की वजह से भी लोग मेरे को जानने लग गए हैं कि वो दाव मैं लगाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। माँ के साथ वाली मेमोरी बताइए। देखिए मैं ओलंपिक या कभी कोई भी को मैं सीधा मतलब ये आपके बारे में सुना है हमने कि आप अपनी मम्मा के बहुत क्लोज हो। हाँ बिल्कुल, और अच्छा लगता है जब जीत के, वैसे भी जाए तब भी माँ से मिलना तो अच्छा लगता है सबको, और माँ तो अपने सभी बच्चों से करती है बहुत ज़्यादा प्रेम है, और एक खुशी देखने मिलती है कि हाँ मैंने मेडल जीता है तो माँ के चेहरे पर खुशी है, खुशी का अनुभव है। नहीं आपने बताया था कि जब आपके फादर आपको छोड़ने गए थे दिल्ली में तो उन्होंने कहा था कि तुम्हें खुद ही सब कुछ करना है और कोई नहीं है मदद के लिए, तो अब जब आप जाते हैं उनके सामने तो क्या महसूस करते हैं? देखिए कोई भी माँ हो बेटा जीत के कामयाब होता तो बहुत खुश होती है वो। नहीं आपको लगता है कि आपने उनका सपना पूरा किया जो जिम्मेदारी उन्होंने आपको दी? बिल्कुल, बस यही लगता है, कमी है कि जो मेरे पिता ने सपना था वो नहीं देख पाए उस सपने को। अच्छा हाँ, ये दुख भी होता है पर जो हम चाहते हैं वो हमेशा होता नहीं। अब ये है कि माता जी है, माँ को खुश रखना है, माँ खुश रहती हैं, हम जीतते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अब ये है कि पिताजी तो माता पिता दोनों, माता ही दोनों का माँ ही कर रही है, और जब 2006 में मैं एशियन गेम्स में गया था मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे, तो मेरी माँ ने बोला था, मेरी मम्मी ने बोला था कि तू जाओ देश का नाम कर, तेरा पापा यही चाहते थे कि तू देश का नाम करे, और यहाँ तो हम हैं जो भी है, अब जो चीज़ जा चुकी है अब तो वापस आ नहीं सकती। मेरी मम्मी ने बहुत हिम्मत दी है मेरे को, हर दंग है और हमेशा मेरे साथ रही हैं।
अभी आप देखें कॉमनवेल्थ गेम्स कुछ भी हो, मेरी कुश्ती चलती है, मेरी मेरी माँ मेरी कुश्ती देखती है, मेरी माँ पूजा पाठ करती रहती है, मंदिर में रहती है, मंदिर के सामने बैठी रहती है पूजा मेरी जीत के लिए, वो मेरी कुश्ती बाद में जो न्यूज़ पे चलती है वही देखती है, नहीं तो वैसे नहीं देख पाती। एशियाड की तैयारी के लिए क्या कर रहे हैं अभी? हम वो तैयारी कर रहे हैं एशियाड की, या प्रैक्टिस डेली वही, हाँ जो मरीज लोगों में कमियाँ लगती हैं वो उसमें सुधार कर रहे हैं। 65 किलो भार ग्राम में ही खेलेंगे आप? हाँ 65 में, 65 में ही खेलेंगे। क्या कुछ प्लानिंग्स हैं भविष्य की? देखिए अभी ये है, उसके बाद पूरा ध्यान हमारा रियो ओलंपिक 2016 पे है और टाइम निकलता ही जा रहा है, 2 ही साल बचे हैं बस। हम चाहते हैं कि इस बार ब्राउन जा था, अगली बार रंग बदले और गोल्ड हो, वो गोल्ड हो नहीं, वो हमारी भी दुआएं हैं। अगर मैं ये कहूँ कि हरियाणा के यूथ को अगर कोई मैसेज आप देना चाहते हैं तो क्या देंगे? यही कहेंगे कि खूब ट्रेनिंग करो, अपना बड़ा एम बनाओ, ओलंपिक चैंपियन बनने का एम बनाओ, वर्ल्ड चैंपियन बनने का, तभी हम अच्छा कर पाएंगे। और डिसिप्लिन में रहो, और ये मत देखो कि हमें ये सुविधा नहीं मिल रही, बस ये अपने जनून में रहो, अपनी प्रैक्टिस करते रहो अच्छी तरह, और ये कि बस कुछ भी है हमें कुछ मिले या ना मिले, हमें प्रैक्टिस करनी है और देश के लिए कुछ करना है। योगेश्वर को कभी कोई पसंद आया? फीमेल्स की बात हो रही है, कोई क्रश है? नहीं, इतना ध्यान ही नहीं गया कभी उस तरफ, और ना टाइम मिलता। अब स्टार हैं आप हरियाणा के, तो ऑफर्स तो आए होंगे? नहीं, मेरे तक वो प्राण ही नहीं दिए, कोई शादी रिश्ता आता तो घर ही आता, मेरे पास मेरे तक नहीं आता। नहीं, खुद कभी किसी ने, क्योंकि जब हम पहलवान हैं और दूसरी बात स्टार बन गए हैं और हर घर में योगेश्वर को जाना जाता है, तो कोई क्रश हो योगेश्वर का बता सकते हैं आप? पहलवान से तो वैसी लड़कियाँ दूर रहती है, और यहाँ तक कोई मतलब किसी ने बोला ही नहीं मेरे को आगे, और अगर कोई बोले तो? बोले तो मना ही करूँगा मैं, क्योंकि जो कुछ करना घर वाले करना है। तो फिर योगेश्वर कहाँ है इसका मतलब? नहीं, शादी जो होगी घर वाले की परिवार की मर्जी से होगी, जब भी होगी, अगर होगी तो उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। खुद का कोई ख्याल नहीं है? नहीं, खुद का कुछ वो नहीं है। चलिए, हमारी दुआएं हैं योगेश्वर को कि वो और ज़्यादा तरक्की हासिल करें, जो चाहते हैं वो अपने माँ पापा का नाम भी रोशन करें, साथ ही साथ पूरे हरियाणा का, साथ ही साथ देश का। योगेश्वर बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो आज हमारे साथ योगेश्वर दत्त से जिनसे हमने बातचीत की, और स्पेशली हरियाणा के लिए जाना कि जो हरियाणा के बच्चे सपना देख रहे हैं, जो मेहनत करते हैं आप लोग, उसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं। वो जुनून चाहिए आपको, सुविधाओं की कमी समझ में आती है, लेकिन अपना जुनून बरकरार है तो आज आप भी योगेश्वर या सुशील कुमार जैसी नज़ीर पेश कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार। विकासशील, प्रगतिशील हरियाणा नंबर 1 की असली तस्वीर, प्रदेश के पिछड़े वर्ग व दलितों पर हर दिन पड़ रहा अत्याचार, पर कोई सुनवाई नहीं। Police have largely charged a group of Dalit protesters outside the district headquarters in Mirchpur in Haryana. एक कुत्ते के भौंकने पर बूढ़े ताराचंद और उनकी अपंग बेटी जिंदा जला दिए गए। बस अब बदलेंगे हालात, बदलाव की शुरुआत आपसे है, क्योंकि आप हैं हरियाणा। बदलाव की इस मुहिम से जुड़े और हिस्सा बने हरियाणा लोक हित पार्टी का। अरे छोरे हो, गेम खेलना बंद कर, क्यों पढ़ लिख ले कि ते सरकारी नौकरी लायक जाएगी। अरे बापू, मैं के रोज तक कहूँ जो मैंने सरकारी नौकरी लायक जाएगी। सरकारी नौकरी खातर तेने 4-5 किले बेचने पड़ेंगे। सरकारी नौकरी में भ्रष्टाचार अब नहीं चलेगा। ये बात कका न्यू क्यूब करे, क्यों भाज रहा है? काले आ रहे से पकड़ के ले जाएंगे, मने पकड़ के ले जाएंगे, न्यू क्यूब कर पकड़ के ले जाएंगे, तने के मैं कसूर कर रखा से? रमने कर्जा ले रखा था, वो भी कब बनना पाया। ओहो कका, वो वक्त गया जब सरकारी कर्जा ना बनने पर अटकड़ी लाकर पकड़ के ले जाया करते और बेइज्जती कराया करते। इस सरकार ने इसी बढ़िया स्कीम चलाई से जब मजबूरी के कारण कोई किसान सहकारी कर्जा टाइम पे ना देन पावे तब हथकड़ी नहीं लगेगी, और यह प्रथा खत्म करके मारा किसाना का सम्मान करिया से और इज्जत रखी से। फिर ये क्या करना है से भाई? अरे ताऊ जी, हम तो ये कहने आए हैं कि अब की बार जो अपना कर्जा एक मुश्त में भर देगा उसका सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। शुक्र से भाई, जो